दिल्ली में शुक्रवार रात हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाती है। यहाँ 46 साल बाद इतनी बारिश हुई है। इस बारिश में सड़कों सहित दिल्ली एयरपोर्ट भी पानी में डूबते हुए नजर आया है। आइए नजर डालते हैं दिल्ली के हालातों पर। मोतीबाग, आरकेपुरम सहित दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में भी बारिश का पानी भर गया है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर के अलावा रनवे पर भी पानी भर गया है और पार्किंग क्षेत्र में खड़े प्लेन्स के पहिए भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि एक इंटरनेशनल और 4 घरेलू फ्लाइट्स को जयपुर और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आई है, वहां मशीनों के जरिए पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 46 साल पहले 1975 में दिल्ली में 1150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस मानसून सीजन में यहां अब तक 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 2003 में मानसून में 1050 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस साल और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। स्काई मेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते मानसून पैटर्न में बदलाव हो रहा है। ऐसी बारिश से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अभी के लिए केवल इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।